हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वॉटर ट्रांजिशन। ये बहुत ही अच्छा मेरे लिए ट्रांजिशन वीडियो रहा है, मुझे बहुत मजा आया। तो देखिएगा कि मैंने कैसे ही वॉटर ट्रांजिशन बनाई है, इसमें सारी बैंड सीन्स डाल दी। तो इसके बाद मैंने पहले वाला शूट तो कर लिया था, उसके बाद मैं अपना मेकअप करी थी, तो मैंने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज किया था क्योंकि वाटरप्रूफ होना चाहिए मेकअप एकदम। लेकिन मैंने जैसे मैं नॉर्मली अपना मेकअप करती हूँ बिल्कुल वैसे किया था। पहले मैंने अंडर आई में अच्छे से कंसीलर लगा लिया, अंडर आईज को सेट कर लिया, ठीक है। तो मेरी बेस के लिए क्योंकि मुझे कलर करेक्ट करना पड़ता है, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है, तो मैंने फाउंडेशन लगा लिया डॉट डॉट करके अच्छे से, फिर इसको ब्लेंड कर लिया। सो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा मतलब प्रोडक्ट्स कम यूज़ करूँगी, जैसे कि ना ज़्यादा पानी डालूँगी तो ऐसे बहने ना लग जाए। तो आई मेकअप में भी मैं आईलाइनर को स्किप कर दूँगी। तो देखते हैं, अभी मेरा बेस कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज़ किया था इनसाइड का, फाउंडेशन भी ब्लिंक का, और ये माइग्लैंड की पोज है, एसडी वाली कॉन्टोर स्टिक है, जिससे मैं अच्छे से अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी। और ब्लश के लिए भी मैं लिपस्टिक यूज़ करूँ क्योंकि मेरे पास लिक्विड ब्लश नहीं है, पाउडर वाला ब्लश है, तो वो पानी से सॉरी मतलब बहने लग जाता है ना, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैं अच्छे से कर लूँगी ब्लाइंड मेकअप को। उसके बाद देखना मैं कितने फनी वे में, मतलब इतना मज़ा आया ना मुझे इस वाले ट्रांजिशन में, क्योंकि पर मैंने ना सही से बनाया ही नहीं था अपना। प्लीज़ मेरी वो शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा। सो मैं बहुत सारी ट्रांजिशन सोचती हूँ कि भाई ये ट्राई करूँगी, पर ना वो ना हो नहीं पाती, मतलब जैसे कि मैं सोचती हूँ, क्योंकि यार वीडियोज़ पर ना बिल्कुल लाइक नहीं आते हैं ना व्यूज़ आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कई बार मन करता है कि मैं बिल्कुल भी वीडियोज़ बनाऊँ ही ना। फिर सोचती हूँ यार इतनी मेहनत कर लिया था, थोड़ी सी मेहनत और सही, क्या पता मेरी भी कोई वीडियो वायरल हो जाए, कुछ तो लोगों को पसंद आ जाए। सो प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। सो आई मेकअप के लिए मैंने माइग्लैम की ब्लू ग्लिटर वाली एक आई पेंसिल है वो यूज़ किया। उसके बाद मैं इसको आई शेडो से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जो भी हार्श लाइन है उनको अच्छे से ब्लेंड करके उसको मैंने ग्लिटर वाला एक आई शेडो लगाया। उसके बाद इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लिया अच्छे से, और मैं यहाँ पर कोई भी आईलाइनर नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो पानी से हो सकता है कि मतलब ना बहने लग जाए, क्योंकि वाटर ट्रांजिशन है, मुझे अपने फेस पर पानी डालना है। तो उसके बाद मैंने अच्छे से अपने आईब्रोज को भी सेट कर लिया था आई शेडो की हेल्प से, और फिर वो काजल नीचे भी लगा लिया अपने। उसके बाद मैंने, मेरे पास वो क्या कहते हैं मेकअप स्टिकर्स नहीं थे जो आई एक्सेसरीज में आते हैं, तो मैंने ही ना ये बिंदी लगा ली स्टोन वाली, तो ये भी ठीक लग रही थी कलरफुल, मतलब अच्छा सा मेकअप हो गया था, एकदम कलरफुल सा क्रिएटिव सा, मतलब वाटर ट्रांजिशन करना था ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए। उसके बाद ये देखो आईलैश लगाने में मुझे बहुत दिक्कत हो गई, फिर मुझे पता चला कि मैंने एक आईलैश अलग लगाई है और एक अलग लगाई है, फिर मैंने चेंज किया। फिर मैंने अच्छे से लिपस्टिक भी लगा लिया, यहाँ पे फटाफट से दिखा दिया मैंने आपको। उसके बाद देखना कि मैं कैसे करने वाली हूँ वाटर ट्रांजिशन, अब आएगा वही सीन।